क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। भारत साउथ अफ्रीका के तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन तो सबसे बड़ा कमाल हो गया। मैदान में अचानक कुछ ऐसा हुआ कि रिद्धिमान साहा को बाहर कर ऋषभ पंत को ग्लव्स थमा दिए गए। अब पंत की इस तरह की ग्रैंड एंट्री की उम्मीद दूर दूर तक किसी को नहीं थी, मगर यहाँ तो सच में कमाल हो गया। तो क्या हुआ, क्यों साहा बाहर हुए और कैसे पंत की ग्रैंड एंट्री हुई, आपको सब बताते हैं, मगर आप भी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो रांची टेस्ट के तीसरे दिन के आखिर में ये सब हुआ। मैच तकरीबन भारत की मुट्ठी में आ चुका था और अफ्रीका का व्हाइट वॉश पूरी तरह तय हो गया था, मगर इसी बीच 27वें ओवर में भारतीय टीम को अपना विकेट कीपर बदलने को मजबूर होना पड़ा। दरअसल 27वां ओवर आर अश्विन कर रहे थे, क्रीज पर चोटिल एल्गर की जगह आए जॉर्ज लिंडा थे। पहली बॉल अश्विन ने जैसे ही डाली तो लिंडा बॉल को मिस कर गए और बॉल सीधे रिद्धिमान साहा के ग्लव्स पर जाके लगी, जिससे साहा का लेफ्ट थंब चोटिल हो गया। थोड़ी देर पहले ही एल्गर को चोट लगी थी और अब साहा को। पूरी भारतीय टीम एक बार फिर से घबरा गई और साहा को घेर कर खड़ी हो गई। तुरंत फिजियो को बुलाया गया और साहा का चेकअप किया गया, मगर साहा बिल्कुल भी खेलने की स्थिति में नहीं थे। फिर क्या था, यहाँ 12th मैन के रूप में बैठे ऋषभ पंत की तो जैसे लॉटरी ही लग गई। कप्तान विराट कोहली ने तुरंत पंत को ड्रेसअप होकर मैदान में आने का इशारा किया, मगर पंत को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, क्या सच में उन्हें मैदान में बुलाया गया है। पंत खड़े के खड़े रह गए। इस पर पास ही में बैठे शुभमान गिल ने पंत को हिलाया और कहा कि तुम्हें ही साहा की जगह जाना है। बस फिर क्या था, ऋषभ पंत के तो जैसे पंख लग गए और वो दौड़ते हुए ड्रेसिंग रूम में गए और तैयार होकर मैदान की तरफ बढ़े। इस दौरान पंत के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस सीरीज में उन्हें इस तरह खेलने का मौका मिलेगा। हालांकि साहा की चोट को लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है, मगर पंत की यू वाइल्ड कार्ड एंट्री उनके फैंस को काफी रोमांचित कर गई। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।